सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दबंगों ने में मकान पर कब्जे को लेकर मां बेटी मां को लाठियों से पीटा। दबंगों ने मकान पर अवैध कब्जा कर मां बेटी को घर से निकाल दिया। दोनों खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर हैं। पुलिस में शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने उच्चाधिकारियों को पत्र भेजते हुए न्याय की गुहार लगाई है। थाना व गांव जलालपुर निवासी कमलेश कुमारी पत्नी मिंटू ने बताया कि 20 साल पहले राठ कस्बे के सिकंदरपुरा मोहल्ले में प्लाट खरीदा था। तभी से अपने प्लाट पर झोपड़ी बनाकर रहती हैं। उनके पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। मकान पर वो अपनी बेटी के साथ रहती हैं। कस्बे में मेहनत मजदूरी कर अपना व बेटी का भरण पोषण कर रही हैं। बताया कि कुछ समय से मोहल्ले के ही दबंगों की उनके मकान पर नियत थी। रविवार रात उक्त लोग मकान के पीछे से सीढ़ी लगाकर घर के अंदर घुस आए। गाली गलौज करते हुए उन्हें व उनकी बेटी के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद खुद 112 पुलिस को फ़ोन कर उनकी शिकायत कर दी। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने मकान पर कब्जा कर उनका सामान तालाब में फेंक दिया। मां बेटी को जबरन घर से निकाल दिया। कोतवाली में शिकायत करने पर पुलिस उन्हें ही धमका रही है। मंगलवार शाम जब अपने घर पहुंचे तो उसने देखा कि उसके घर का सामान ताला तोड़कर बाहर फेंक दिया गया था, जिसका महिला ने विरोध किया तो महिला व पुरुषों ने एक राय होकर लाठियों से हमला बोल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। सीओ अभय नारायण राय ने कहा कि मामला दीवाने से संबंधित है, मामले की जाँच की जा रही है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो और क्या घटना हुई है? सर, हम रात में ही रहते थे, वो हमारा ही प्लाट था। उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 3 दिन हो गया जबरदस्ती कब्जा किया। 1:30 बजे दिन के वहाँ पर घुस गए थे वे लोग सारे आकर, हमें निकाला है बाहर जाकर। अच्छा, किसने मारपीट किया? मुकुट ने भी किया और क्या बोलते हैं उसके भाई लेखराज ने भी किया। उसकी चार औरतें अंदर बुली थी और बाहर बैठी थी। हमने कहा हमारा सामान दे दो, हमें नहीं देने। उन्होंने सामान हमारा नहीं दिया, सीधे आकर मम्मी को खूब मारा है। अच्छा, सामान कहाँ गया आपका? सामान फेंक दिया है, जाने कहाँ ले जाकर। हमारा कोई नहीं। सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।